अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर ज़ैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम उमर ज़ैब है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी क्लास 3 है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ कुछ पेजेस हमने जो क्रिएट किए थे और उनके हमने मेन्यू बार बनाना है। फुटर और मेन मेन्यू में हमने कुछ छोटी सी वीडियो है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा, इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बाकी वीडियोस भी आप लाजमी देखें पूरे कोर्स को। ये बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है क्योंकि इसमें जो हम प्रोडक्ट निकाली है उसी प्रोडक्ट पर हम ऑर्डर लेंगे और हर चीज़ A to Z आप लोगों के सामने होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पास लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पॉलिसीज के कुछ पेजेस क्रिएट किए थे, कुछ और सेटिंग की थी, तो आज की वीडियो में हम यहाँ से वही पेजेस ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मैं जैसा कि आप यहाँ पे आ जाएंगे पेजेस पे, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे पेजेस और नीचे नेविगेशन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे नेविगेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू, इस आपने फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम वो पेजेस ऐड करेंगे जो पेजेस हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे। तो जैसे इस पे आपने क्लिक किया और ऐड मेन्यू आइटम्स, सही है, फुटर मेन्यू ऐड मेन्यू आइटम पे आपने क्लिक करना है और यहाँ साइड पे आपने लिंक पे क्लिक करना है और पॉलिसीज पे क्लिक करना है। पॉलिसीज पे करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट किया और ये ऐड कर दिया आपने, एक हो गया हमारे पास। इसी तरह दोबारा आपने करना है, यहाँ पे आना है पॉलिसीज पे और यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसीज को सिलेक्ट करना है इस पेज को और ये आपने यहाँ से ऐड कर दिया। तो ये इसी तरह आपने दोबारा आना है यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद आपने पॉलिसीज पे क्लिक किया और दोबारा रिफंड पॉलिसी और यहाँ से आपने ऐड कर दिया। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद दोबारा पॉलिसीज और यहाँ पे आपने रिफंड हो गया टर्म्स ऑफ सर्विस ऐड कर दिया आपने। तो ये आपके ये सारे पेजेस जो है जो हमने क्रिएट किए थे ये ऐड हो गए और ये हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब हमारा ये फोटो का जो मेन्यू है इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से हम दोबारा नेविगेशन पर जाते हैं और मेन मेन्यू में देखते हैं तो हमारे पास जो है ना 3 मेन्यू हैं और ये तीनों सही हैं। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें हम एक ऐड करेंगे, वो होगा कोरियर का ट्रैकिंग नंबर। अच्छा, अब यहाँ से अगर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम नीचे आते हैं तो यहाँ जो है ना ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑर्डर ट्रैकिंग करेंगे और नीचे लिंक में हमने देना है कुरियर का ट्रैकिंग लिंक देना है ताकि कस्टमर आसानी से अपना ऑर्डर भी ट्रैक कर सके। जिस कुरियर से भी आप अकाउंट खुलवाएंगे अपना COD का, या अगर आपका जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपने लेपर्ड और स्काल कुरियर जो भी है उनका, तो वो उसका लिंक आपने यहाँ पे दे देना है। जैसा कि मैं यहाँ से अगर वेबसाइट पर जाता हूँ, लेपर्ड पर जाता हूँ और यहाँ से मैं इनका लिंक ओपन कर लेता हूँ और लिंक ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देंगे। सही, पेस्ट करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से नीचे ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पास ये आ गया, ट्रैकिंग ऑर्डर भी आ गया है, ये ट्रैकिंग ऑर्डर भी आ गया। अब हम यहाँ से इसको कॉन्टैक्ट को उठा कर नीचे ले आते हैं, सही है, लास्ट में रखते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग हम पहले और सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। सही है, अब ये हमारा जो एक छोटा सा काम था ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब मज़ीद जो है हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह थीम इंस्टॉल करेंगे, ड्रॉप शिपिंग थीम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर वर्किंग करेंगे, थीम की सेटिंग करेंगे। काफ़ी आगे आगे वीडियोज कुछ लंबी होंगी तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।